तनवीर अहमद है और इस वक्त मैं मौजूद हूँ मैनचेस्टर के ट्रैफर्ड सेंटर के बाहर। अभी हम इस सेंटर के अंदर जाएंगे जो कि एक बहुत बड़ा स्टोर है मैनचेस्टर का, ये बड़ा शॉपिंग मॉल। इसके अंदर इंशाल्लाह हम आपको दिखाएंगे कि क्या क्या किस किस तरह की फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं और किस किस तरह की शॉप्स और बिज़नेस अवेलेबल हैं। मुझे उम्मीद है आप इसको एंजॉय करें। बरतानिया के तीसरे बड़े शहर मैनचेस्टर में वाक़ इस अजीम शान सेंटर को 10 सितंबर 1998 में आवाम के लिए खोला गया। इब्तदा में इसको पेल ग्रुप ने 600 मिलियन पाउंड की खतीर रकम से तामीर करवाया। तामीर के 10 बरस बाद 2008 में इसमें बर्टन स्क्वायर और ग्रेट हॉल का इजाफा किया गया, जिस पर 100 मिलियन पाउंड की मज़ीद लागत आई और यूँ इसकी तामीर पर होने वाले कुल अखराजात 700 मिलियन पाउंड तक पहुंच गए। जनवरी 2011 में पेल ग्रुप ने इसको कैपिटल शॉपिंग सेंटर्स को 1.65 बिलियन पाउंड में फरोख्त कर दिया, जो बरतानिया की अब तक की तारीख में एक सिंगल प्रॉपर्टी की फरोख्त का सबसे बड़ा रिकॉर्ड है। चार लाख 80,000 स्क्वायर फीट पर मुहीत इस अजीम शान शॉपिंग सेंटर में 12,500 कारों और 350 कोचेज को पार्क किया जा सकता है। ज़रूरियात ज़िंदगी से मतलब हर किस्म के स्टोर्स के साथ साथ यहाँ पर बरतानिया का सबसे बड़ा फूड कोर्ट भी दस्तयाब है, जहाँ पर मशहूर पाकिस्तानी रेस्टोरेंट चाय वाला समेत दुनिया के तमाम मशहूर ब्रांड्स के रेस्टोरेंट दस्तयाब हैं। बरतानिया का सबसे मसरूफ़ सिनेमा जो 20 स्क्रीन पर मुश्तमिल है, वो भी इसी बिल्डिंग में मौजूद है। दूसरे शहरों से आने वाले विजिटर्स M60 मोटरवे के जंक्शन 9 और 10 के जरिए इस तक पहुंच सकते हैं,
جبکہ اندرون شہر سے یہاں تک پہنچنے کے لیے بس اسٹیشن کی سہولت بھی دستیاب ہے۔ یہاں پر شہر کے تمام اہم مقامات سے بس آتی ہے۔ اس کے علاوہ اس کے ٹریفرڈ پارک لائن میں مانچسٹر میٹرو لنک کے دو اسٹاپ بھی موجود ہیں، جن کو استعمال کر کے آپ میٹرو کے ذریعے بھی یہاں تک آ سکتے ہیں۔ یہ تھی اس عظیم الشان شاپنگ سینٹر کے متعلق مختصر معلومات۔
یہاں سے اب ہم رخ کریں گے مانچسٹر کے مشہور ونزلو روڈ کا، جو ایشین کھانوں کے ریسٹورنٹس کے لیے پورے برطانیہ میں مشہور ہے۔ ہماری اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ اس کا تفصیلی تعارف ہوگا۔ امید ہے آپ کو اس ویڈیو کے بعد ونزلو روڈ کی ویڈیو بھی پسند آئے گی۔ ملتے ہیں پھر اگلی ویڈیو میں۔ اللہ پاک آپ کو آسانیاں دے اور آسانیاں حلقے خدا میں تقسیم کرنے کا شرف بخشے۔ آمین۔ Thank you.